So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class of physics, chemistry, math. Today we are studying chemistry. We are in chapter solution. So far हम लोग concentration के बारे में बहुत सारे topic बता दिए. उम्मीद है आप लोग video पसंद कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा. बार बार video को देखिए, concentration के बारे पढ़ रहे थे, percentage बता दिए, G by L बता दिए, molarity बता दिए, normality बता दिए, molality बता दिए, आपस में कनेक्शन करना भी समझा दिए. अंडरस्टूड. लास्ट पर मोलारिटी अगर पता करना हो तो मोलारिटी इनटू क्या होता है, डी. मोलारिटी को डी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलारिटी निकल जाता है. तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अभी भी कॉन्सेंट्रेशन ही पढ़ रहे हैं. छोटा सा इजी सा टॉपिक है, मोल फ्रैक्शन एक्स बोलते हैं, ये क्या होता है पहले समझिए. कोई सॉल्यूशन है इसमें वाटर भी है और साथ में मान लीजिए HCl भी है. वाटर और HCl, वाटर का 5 ग्राम मोल्स है ए दे दी सॉल्वेंट, 5 ग्राम ही तो रहे 5 ग्राम मोल्स, और HCl का सपोज 1 ग्राम मोल है. N of B means what? ग्राम मोल ऑफ HCl कितना है, 1 ग्राम मोल में होना चाहिए, ग्राम में नहीं होना चाहिए, ग्राम मोल में होना चाहिए. और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इस सॉल्यूशन में कितना है, 5 ग्राम मोल, मतलब Na का वैल्यू कितना हो गया 5 ग्राम मोल. टोटल ग्राम मोल कितना हो गया 7 ग्राम मोल. तो देखिए, तो क्या बोलेंगे, 7 ग्राम मोल का अगर सॉल्यूशन है तो उसमें ए मतलब कौन, वाटर कितना है 5 ग्राम मोल है. तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, इतना कोई दिक्कत नहीं है. तो बस 1 ग्राम मोल में कितना होगा 5 बाई 7 को बोलेंगे ग्राम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मीन्स व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर उसका ग्राम मोल बाय टोटल ग्राम मोल. उसका ग्राम मोल मतलब इसका बात कर रहे हैं, उसका ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल सॉल्यूशन में ये मोल फ्रैक्शन क्या है कोई पूछिए तो सबसे पहले ऐसा बताइए, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ या तो सॉल्यूट बोलिए या तो सॉल्वेंट बोलिए, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 ग्राम मोल ऑफ क्या, सॉल्यूट, सॉरी ऑफ सॉल्यूशन. 1 ग्राम मोल ही लेना है, जितना भी रहेगा आपको 1 ग्राम मोल के लिए निकालना है. नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन वन ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उसी का क्या बोलते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं. मोल फ्रैक्शन किसी का निकालना है तो उसका कितना ग्राम मोल है बाय टोटल, इसे बोलेंगे बी का निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, उसका ग्राम मोल बाय टोटल ग्राम मोल. देखिए इसमें अभी हम बोलेंगे 7 ग्राम मोल का सॉल्यूशन है तो कितना ग्राम मोल है, 1 ग्राम मोल क्या प्रेजेंट है, 1 ग्राम मोल, सॉरी इसका 5 है ना और इसका 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, इसका 2 कर दिए, 5 और 2 7 हो गया. 7 ग्राम मोल में 5 ग्राम मोल है, 1 ग्राम मोल में क्या था 5 बाई 7, XA का वैल्यू, XH2O का वैल्यू क्या हुआ उसका बाई टोटल, उसका मतलब वाटर का सॉल्वेंट का 5 बाई 7, यानी 5 बाई 7 पार्ट में है. उसी प्रकार 7 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम मोल ऑफ क्या है सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम मोल में कितना होगा 1 बाई 7 ग्राम ऑफ बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा 1 बाई 7, मतलब उसका ग्राम मोल बाय टोटल ग्राम मोल. अंडरस्टूड. कैसे निकालते हैं, टोटल कितना है 5 और 2 7, तो 7 में 5 है तो 1 में जितना होता है 1 ग्राम मोल सॉल्यूशन में जितना पार्ट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन एक्स बोलते हैं. और हमेशा एक बात याद रखिएगा, XA प्लस XB को जोड़िएगा 1 आएगा. देख लीजिए इसमें क्या था, XA का वैल्यू क्या है 5 बाई 7, 2 बाई 7, 7 बाई 7 क्या है 1,
टोटल ग्राम मोल हमेशा वन होता है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, एक और एग्जांपल दिखाते हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। वेरी वेरी इजी चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, मोलारिटी नॉर्मलिटी मोल फ्रैक्शन चल रहा है, हम लोग का मोलारिटी वगैरह सब बता दिए, नोट कीजिए। और एक एग्जांपल देखिए, सपोज एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम लिखे हैं, क्लियर है, वेट दिया हुआ है, H2O वाटर 36 ग्राम है, ये भी उसका वेट दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मतलब वाटर का मोल फ्रैक्शन उसका मोल फ्रैक्शन बाय टोटल, क्लियर है, तो ये दोनों चीज निकाल दीजिए। सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ बी, वेट कितना है 4 और मोलिकुलर वेट कितना था 40, पता कि नहीं 40, Na का 23, O का 16, H का 1 40, तो कितना आया 1/10 ग्राम मोल होना चाहिए, हमेशा ग्राम मोल में होना चाहिए सॉल्यूट या सॉल्वेंट। उसी प्रकार WA क्या है 36 ग्राम दिया हुआ है, तो Na कितना होगा बताइए, वेट बाई सॉरी कितना लिया 36 ग्राम दिए, और मोलिकुलर वेट कितना था वाटर का 2 + 16 = 18 कितना आया 2 ग्राम मोल। टोटल ग्राम मोल भी पहले ही निकाल दीजिए, 1/10 + 2 10 LCM 10 × 20 और 1 = 21 अंडरस्टूड। तो बताइए व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कितना ग्राम मोल है, बोलिए 2 ग्राम मोल है कि नहीं, और टोटल कितना है 21/10, तो 20/ क्या हो गया 21, मतलब 21 अगर ग्राम मोल लेंगे 20 ग्राम मोल है। उसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब इसका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है उसमें, NaOH क्या होगा बी बाय टोटल 1/10 / 21/10 कट जाएगा 1/21, और दोनों को जोड़ के देख लीजिए टोटल ग्राम मोल को जोड़ेंगे XA + XB 20/21 / 1/21 काटा काटी 1, क्लियर है, तो इसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे दिया था XA = 4/5 तो XB का वैल्यू कितना होगा, तो बोलिए XA का वैल्यू 4/5 तो XB को क्या कीजिए 1 से माइनस कर लीजिए, क्यों XB = 1 - XA 1 - 4/5 5 LCM 5 + 4 1/5 क्लियर है। एक और एग्जांपल दीजिए, XA = दिया हुआ 6/7 तो XB कितना होगा, चाहे XB दिया हुआ है 1/4 तो XA कितना होगा, XA = 1 - क्या होगा XB 1/4 - कर दीजिए 4 LCM ले दीजिए 4 - 1 = 3/4 इस तरह से XA XB से हम लोग निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड समझ में आ गया मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 3 होने का, तीनों को जोड़िएगा 1 होगा, 3 पार्ट है कोई सॉल्यूशन में जोड़िएगा तो 1 होगा, अंडरस्टूड। तो मोलारिटी मोल फ्रैक्शन नॉर्मलिटी मोलारिटी परसेंटेज GYL सब समझा दिए, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हम लोग नोट कर लीजिए अच्छा से बता दिए। PPM पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी कोई सॉल्यूशन को पर मिलियन, कोई सॉल्यूशन को इमेजिनरी तरीका से काल्पनिक तरीका से अगर हम लोग 10 लाख हिस्सा में बांट दे, 1 मिलियन 10 लाख हिस्सा में अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल को बांट दे हम लोग, तो जितना पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा ना उसको हम बोलते हैं उसका PPM। जैसे बोलेंगे इस एग्जाम्पल में 2000 PPM, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 10 लाख हिस्सा लेंगे पार्ट्स ऑफ क्या लेंगे सॉल्यूशन, उसमें 2000 पार्ट में क्या मौजूद है सॉल्यूट, कौन है HCl, ऐसे बोल देंगे, मतलब प्रत्येक पार्ट 10 लाख पार्ट में कितना है, कहीं पर लिखा हुआ है 10^4 PPM, इसका मतलब क्या हुआ 10^6 10 लाख में 10^4 पार्ट्स क्या है, सपोज PPM NaCl लिखा हुआ है तो पार्ट्स ऑफ क्या है NaCl लिखा हुआ है, कुछ नहीं है बहुत सिंपल है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ
सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन होते हैं। तो नोट कर लीजिए, सारा कॉन्सेंट्रेशन बता दिए तो अभी लोग पढ़ने वाले हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, रॉल्स लॉ क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से लोग पढ़ने वाले हैं, एकदम अच्छा सबको फील कराएंगे, नोट कीजिए बता रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, इतना भी बता दिए, बहुत इजी चीज है, सब बस यूज होता है, ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इधर से आएगा। सॉल्यूशन क्या है समझा दिए, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तरह तरह से हर बात बता दिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रॉड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर होता क्या है। तो मान लीजिए एक सॉल्यूशन या कोई सॉल्वेंट लिए, सबसे पहले एक सॉल्वेंट लिए, लिक्विड, कोई लिक्विड होना चाहिए, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर के लेयर, ऊपर का लेयर का जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे वो क्या होने लगते हैं, इवेपोरेट होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, एक वाटर है, धीरे धीरे पार्टिकल्स इवेपोरेट होने लगते हैं, पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, नीचे रेंडम इधर उधर इंटर मोलिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, क्लियर है, इंटर मोलिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट होते रहते हैं पार्टिकल्स, ऊपर के पार्टिकल्स का क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, और उनका क्या बनने लगता है, वेपर बनने लगता है, उनका वेपर बनने लगता है, क्लियर है, क्या बोल रहे, समझ आ रहा, क्या बोल रहे हैं, कोई सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है जो भी है, सपोज वाटर है, वाटर के मोलिकुल क्या होंगे, जो रैंडमली इधर उधर पार्टिकल्स इंटर मोलिकुलर फोर्स से टकराते रहते हैं, और जो सबसे ऊपर का होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होने के कारण वो सबसे ऊंचा में जो होता है वो पहुंच जाता है, और वो लोग क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है, क्लियर है। अगर ये ओपन रहेगा तो क्या होगा, ये बाहर एस्केप कर देंगे, और ये क्या करते हैं, एस्केप करने लगते हैं, और धीरे धीरे वेट ऑफ वाटर जो है, चाहे जो भी चीज हम लोग लिए हैं, वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इसी को क्लोज व्हीकल भेस बनाते हैं, इसी को अगर हम लोग एक क्लोज वेसल बनाते हैं, क्लियर है, तो देखिए क्या होगा, फिर से वही चीज को देखिए, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स यहां पे सबसे ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, उसके चलते ये क्या होने लगते हैं, इवेपोरेट होने लगते हैं, और इसको अगर हम लोग ढक दें, क्लोज वेसल बना दें, ढक दिए इसको, ढक्कन से ढक दिए, तो धीरे धीरे जो इनका इवेपोरेशन हो रहा है, वेपर जो हो रहा है वो क्या होने लगेगा, अंदर में ही रहेगा, और क्या करेगा, ये नीचे की ओर एक दबाव डालेगा, यही वेपर है ना, देखेंगे यहां पर कंडेंस हो जाता है, ये जो लिक्विड के जो वेपर थे ये गैस के रूप में, वो वापस देखिए यहां पे बूंद दिखाई देगा, लिक्विड का बूंद दिखाई देगा, मतलब वो क्या होते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो कंडेंस होने लगते हैं, और इक्विलिब्रियम का अवस्था जब आएगा तो नीचे की ओर, इक्विलिब्रियम का अवस्था में नीचे की ओर ये दबाव डालने लगते हैं, नीचे की ओर ये दबाव डालने लगते हैं, ऐसा प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। बस वगैरह क्या बोल रहे हैं, नीचे की ओर वो दबाव डालने लगते हैं, जो भी वेपर्स बनने लगते हैं वो वेपर्स इसके अंदर इक्विलिब्रियम का स्टेट में जो प्रेशर डालते हैं नीचे की ओर, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओपन रहेगा तो स्केप कर जाएगा, क्लोज रहेगा तो वही वेपर अंदर में रहेगा, और नीचे की ओर जैसे पूरा भरने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा, इक्विलिब्रियम का स्टेट आएगा, तो क्या होगा, यही जो प्रेशर लगाएगा नीचे की ओर उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसमें स्केप नहीं किया, इसमें स्केप किया, इसे बताइए
इसमें वेट ऑफ जो हम लोग लिए सब्सटेंस वाटर विल क्या होगा, नॉट डिक्रीज, क्यों? वाटर का जो मॉलिक्यूल है वहीं पर है, भले उसका फॉर्म चेंज हो गया है, बट यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल गायब हो जा रहे हैं, एस्केप कर जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसका वाटर का डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो प्रेशर है थोड़ा बहुत अनुभव कर पा रहे होंगे गर्मी के दिनों में, जब कभी भी आप पानी को थोड़ा कम भर कर रखिएगा तो धीरे धीरे वेपर बनेगा और वही वेपर धीरे धीरे नीचे की ओर दबाव डालेगा, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द वेपर्स ऑफ सब्सटेंस, जो भी हो, या तो सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूड भी हो सकता है, इन द स्टेट ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम ऑन द अपर लेयर, कहां पे, ऊपर का लेयर में डालता है, ऊपर का लेयर में दबाव डालता है, ऑन द कहां पे, अपर लेयर पे दबाव डालता है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द अपर लेयर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अंडरस्टूड? इसको पी बोलते हैं। अगर प्योर सॉल्वेंट रहेगा, प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो पी डिग्री बोलते हैं, ये वेपर प्रेशर ओ प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट जो भी है पी डिग्री बोलते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ सब्सटेंस ए और बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द अपर लेयर ओ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर बोलते हैं। और प्योर सॉल्वेंट रहेगा ना, प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर को हम लोग पी डिग्री से डिनोट करते हैं। पी जीरो बोलिए, पी डिग्री बोलिए, अलग अलग रूप में एक ही चीज को अलग अलग तरीका से बोला गया है। अंडरस्टूड? तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय अपर लेयर से नीचे की ओर दबाव डालता, इसमें क्या है, वही वेपर जो बर लगातार, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ऊपर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर होने लग शुरू करते हैं, ई वेपोरेशन बोलते हैं इसको, ई वेपोरेशन बोलते हैं, और ये पार्टिकल को अगर हम लोग बंद कर देंगे तो उसी सरफेस के ऊपर ऊपर से नीचे की ओर दबाव डालते हैं इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, गैस बनेगा, यहाँ पे ठंडा होगा, इक्विलिब्रियम का स्टेट आएगा, नीचे की ओर दबाव डालेगा, इज सिंपली कॉल्ड वेपर प्रेशर बोलते हैं। प्योर सॉल्वेंट के लिए इसको पी डिग्री। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं होगा, वो किन बातों पे डिपेंड करता है बताएंगे, नोट कीजिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। कंटेनर जिसमें रखे हैं उसका शेप और साइज ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, उतना ही लिक्विड को आप ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ पे शेप, यहाँ पे एरिया थोड़ा कम है, यहाँ पे ज्यादा है, एरिया कम है तो मॉलिक्यूल भी यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे एरिया ज्यादा तो मॉलिक्यूल कम हो गया, कुल मिला के प्रेशर सेम रहेगा, वो डिपेंड नहीं करता कंटेनर का शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कि वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए बोलेंगे एक लिक्विड लिए है मान लीजिए वाटर, और एक लिक्विड लिए है जैसे मान लीजिए इथाइल अल्कोहल, ये भी सॉल्वेंट है वो भी सॉल्वेंट है H2O, क्लियर है, एक में लिए है H2O और उतना ही ले लिए है, एक में ले लिए हम लोग उतना ही मात्रा में इथाइल अल्कोहल। तो देखिए ये H2O जो है इसमें चार चार दो हाइड्रोजन बोन्ड है, चार हाइड्रोजन बोन्ड है, क्लियर, चार चार हाइड्रोजन बोन्ड है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, इंटरमोलिकुलर आपस में जो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स है वो क्या है, ज्यादा है, तो वो जल्दी से क्या निकलेगा, इसका वेपर नहीं बनेगा, तो ये ई वेपोरेशन थोड़ा सा रिलेटिवली क्या होगा, लो होगा, यानी वेपर प्रेशर भी इसका क्या बनेगा, लेस होगा। लेकिन वही अल्कोहल देखिए ना, अल्कोहल को ऐसे खाली बोतल छोड़ तुरंत भाप बन जाएगा, इसमें क्या है एक ही को क्या है, एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या है इनमें,
इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या है, कम है, तो ये क्या हो गया, ज्यादा क्या हो गया, वोलाटाइल हो गया, वो ज्यादा वोलाटाइल हो गया, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किस पर, लिक्विड जो लिए हैं वो वोलाटाइल है कि लेस वोलाटाइल है कि लो वोलाटाइल है, उस पर डिपेंड करता है। जो नॉन वोलाटाइल है उसका बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे हम बोलेंगे एक वाटर है और एक में इथाइल अल्कोहल है, दोनों ही धीरे धीरे, वाटर का वेपर प्रेशर थोड़ा धीरे धीरे बनेगा, क्यों बनेगा, उतना ही टाइम में इसका ज्यादा बनेगा, क्यों, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है जिसको जोड़ के रखता है आपस में मॉलिक्यूल को, वो कम होता है, इसमें मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ज्यादा होता है, जल्दी से मॉलिक्यूल्स इनके पास कम वेपर बनेगा, तो कम वेपर बनेगा तो कम वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर थोड़ा ज्यादा बनेगा तो ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ किससे, वाटर से, वाटर का वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, कौन ज्यादा, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो जीरेटिवली ज्यादा बनेगा। अंडरस्टूड? वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, लिक्विड का कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, अलग अलग कंटेनर रखिए उतना ही लिक्विड को तो वेपर उतना ही बनेगा, क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा हो गया, इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है एरिया कम, इसमें मॉलिक्यूल कम है एरिया ज्यादा, तो वेपर उतना ही बनेगा और उतना ही क्या होगा, वेपर प्रेशर बनेगा। अंडरस्टूड? तो ये दो बातें बता दिए, अभी तीसरा बात जो होगा वही एक्चुअली में रोल्स लॉ है बता रहे हैं। अंडरस्टूड? इसके अलावा एक बात और बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मोर द टेम्परेचर इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर भी उसका क्या होगा, ज्यादा बनेगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लो टेम्परेचर में वेपर कम बनता है और हाई टेम्परेचर में वेपर ज्यादा बनता है, तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? तो हम लोग आज वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रॉल्स लॉ, RAOULTS, आर ए यू भी लिखा हुआ, RAOULTS, रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस कर। क्लियर है? अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वोलाटाइल लिक्विड, मतलब क्या, इसमें सॉल्यूट मान लीजिए क्या होता है, ध्यान समझिए पहले, मान लीजिए कि ए सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट, ए सॉल्वेंट है, उतना ही बी भी एक क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, इसकी तो प्योर है, ये भी प्योर है, दोनों ही क्या है, लिक्विड है, दोनों ही क्या है, लिक्विड है, और दोनों ही क्या है, भोला टाइप, तुरंत क्या बनता है, वाष्प बनना चाहिए, भोला टाइप। क्लियर है? इसका हो, इसका वेपर प्रेशर क्या बोलते हैं लोग, वेपर प्रेशर को पी डिग्री ऑफ क्या बनेंगे, पी, इसका भी वेपर बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, पी डिग्री ऑफ क्या बनेंगे, पी। अब दोनों को मिला दिए, अब दोनों को मिला के एक नया सॉल्यूशन बन गया, अब ये बन गया सॉल्यूशन, अब ये बन गया दो, ये हो गया सॉल्वेंट, ए हो गया सॉल्वेंट और बी हो गया सॉल्यूट, बिन के बन गया सॉल्यूशन। तब इसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, अब नया जो सॉल्यूशन बना इसका अपना है, इसका अपना है, अब ए और बी मिल गया, तो यही है रोल्स लॉ कि वेपर प्रेशर जो है वो फॉर नॉन सॉरी वोलेटाइल के लिए वो डिपेंड करता है उसका क्या, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में दोनों ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही वोलेटाइल है, तो अब इसका वेपर प्रेशर जितना, इसे 5 था, इसका 3 था, तो यहाँ 5+3 8 नहीं होगा और कुछ होगा, दोनों अलग अलग प्रेशर लगा रहे होंगे, कितना लगा रहे होंगे, यही है रॉल्स लॉ कि वेपर प्रेशर वो डिपेंड करता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उसका मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है।
यही है रॉल्स लॉ। क्या बोल सकते हम लोग, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो भी उसका मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इसका मोल 5 था, पहले 5 ग्राम मोल था, इसका ग्राम मोल मान लीजिए कि क्या था, 2 ग्राम मोल था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी ऑफ ए डिपेंड करता है किस पर, एक्से पे, मतलब इतना ज्यादा मोल उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। उसी प्रकार पी ऑफ बी डिपेंड करता है किस पर, एक्स बी पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। यही है रॉड्स लॉ, इसके बारे में बहुत चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं हम, है कि नहीं। ये था क्वाड्रेटिक थ्योरी, नॉन क्वाड्रेटिक, बहुत से फॉर्मूला उसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, समझाने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक नोट करते रहिए। उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइए अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, और साथ में अपना जो भी डाउट्स है उसको आप ग्रुप में हमसे पूछ भी सकते हैं। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।